नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस 2023-24 में कंटिन्यूअसली आपने हमारे वीडियोस देखे, हमें मोटिवेट किया, आपने अपना ज्ञान बढ़ाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और यह नया साल आपके लिए जबरदस्त रहे, जोरदार रहे, आपका बिजनेस बढ़े, आपका स्टैंडर्ड बढ़े और आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस नए साल के पहले वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर अब आपके कस्टमर की पॉलिसी खो जाती है, फट जाती है, जल जाती है, चोरी हो जाती है, तो आपके कस्टमर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ई इंश्योरेंस अकाउंट कंपलसरी कर दिया है IRDA ने। पहली अप्रैल 2024 के बाद यह नोटिफिकेशन इशू किया कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू होंगी वो ई इंश्योरेंस अकाउंट्स के थ्रू होंगी। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि यह ई इंश्योरेंस अकाउंट क्यों, किस लिए, क्या कारण है? दोस्तों, आपको भी पता होगा, कई बार कस्टमर की जब पॉलिसी मैच्योर्ड होती है तो कस्टमर को पता ही नहीं होता, क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी ली हुई होती है आधे में बंद हो गई, कस्टमर ने अपना घर चेंज किया, ट्रांसफ़र हुआ और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो परिवार को भी पता नहीं होता उनके पास कितनी पॉलिसी है, कब ली हुई थी, या ऐसा भी होता है डेथ के 2-3 साल बाद पता चलता है कि उनके पास इंश्योरेंस की पॉलिसी थी। और कई बार ऐसा भी होता है, आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि कस्टमर की डेथ हो गई 5-6 साल पहले, पॉलिसी बंद थी और जब वो मैच्योर हुई तब पता चला कि कस्टमर की तो डेथ कब की हो गई है। ऐसी परिस्थितियां ना हो इसीलिए ई इंश्योरेंस अकाउंट कंपलसरी किया गया है। IRDA ने पहली अप्रैल 2024 के बाद सभी इंश्योरेंस कंपनीज को नोटिफिकेशन भेजा है कि अब आपको जो भी पॉलिसीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भेजनी है। तो यह है क्या, व्हाट इज ई इंश्योरेंस अकाउंट? दोस्तों, यह डीमैट की तरह अकाउंट होता है, जैसे शेयर्स होते हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लो, एक ही डीमैट अकाउंट में होते हैं, उसी तरह से यह ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा। कस्टमर कहीं से भी लाइफ की पॉलिसी लेता है, जनरल की पॉलिसी लेता है, हेल्थ की पॉलिसी लेता है, वह इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। जब भी कस्टमर लॉगिन करेगा उसका पूरा इंश्योरेंस कहाँ से है, कितना है, किस कंपनी का है, कौन सी पॉलिसी है, पूरा उसके अंदर आ जाएगा। इस ई इंश्योरेंस अकाउंट के लिए 4 इंश्योरेंस रिपोजिटरीज को अलाउ किया गया है। इसमें सबसे पहले कैम्स है, कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी, कार्वी है, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया है। इसमें जो अकाउंट ओपनिंग होगा वो सिंपल है और फ्री होगा। उसके लिए 2 ऑप्शन है, जब भी कस्टमर नई पॉलिसी लेगा तो उसको उसी टाइम पर ऑप्शन बताना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि मैं जो यह पॉलिसी ले रहा हूं इसमें मुझे ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना है। अगर उसका अकाउंट नहीं है तो KYC के बाद इंश्योरेंस कंपनी खुद उनके लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेगी, या कस्टमर डायरेक्टली भी इन 4 रिपोजिटरीज के वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट खोल सकता है, अपनी KYC कंप्लीट कर सकता है। हाँ, लेकिन हर एक इंसान का सिर्फ एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा, अलग अलग जगह पर नहीं खोल सकते, एक इंश्योरेंस अकाउंट होगा जिसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और एक बार यह ओपन होने के बाद आने वाले समय में ऐसे ऑप्शंस भी आएंगे कि जो पुरानी पॉलिसीज हैं वो उसके अंदर अपडेट होती जाए। यह कैसे हेल्प करेगा, कस्टमर को क्या हेल्प होगी, एडवाइज़र को क्या हेल्प होगी? जो कस्टमर को हेल्प होगी, जैसे कि उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो होगा एक ही जगह पर होगा, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, कम पेपर वर्क होगा, या कस्टमर कभी भी कुछ अपडेट करना चाहता है, अपना कॉन्टैक्ट अपडेट करना चाहता है, एड्रेस अपडेट करना चाहता है, ईमेल अपडेट करना चाहता है या और कुछ भी अपडेट करना चाहता है, तो एक ही जगह पर जैसे ही वह अपडेट करेगा सभी इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इसमें आपका सर्विसिंग टाइम बचेगा,
और कस्टमर के लिए वन फिंगर टच के ऊपर अपडेशन करना इजी होगा। इससे इजी कनेक्शन होगा, इंश्योरेंस कंपनीज और कस्टमर के बीच में इजी कनेक्टिविटी रहेगी, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो बिल्कुल स्मूथ होंगे, यह फायदा होगा कस्टमर को और आपका सर्विसिंग टाइम भी कम होगा, आपको ज़्यादा सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपका जो समय है वो मार्केटिंग में इस्तेमाल होगा। और ई इंश्योरेंस अकाउंट आने से कस्टमर को फिजिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई सारे कस्टमर ऐसे होंगे वो कहेंगे कि हमें तो फिजिकल कॉपी चाहिए, हमें डिजिटल तो ठीक है लेकिन फिजिकल कॉपी भी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, जो भी कस्टमर फिजिकल कॉपी की डिमांड करेगा उसको ऑप्शन होगा, जब वो फिजिकल ऑप्शन पर टिक करेगा तो उसको फिजिकल पॉलिसी भी डिलीवर की जाएगी और डिजिटल तो जाएगी ही जाएगी। सो दोस्तों, यह ई इंश्योरेंस अकाउंट का जो नोटिफिकेशन है, जो IRDA ने इशू किया हुआ है, यह एक नया कदम है डिजिटाइजेशन की तरफ। और समय समय पर इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, क्या अपडेशंस आएंगे, यह बदलाव और अपडेशन जारी रहेगा। अभी तो यह शुरुआत है, कई सारी नई चीज़ें इसमें आने की संभावना है। दोस्तों, इस नए साल में आपकी इनकम और बिजनेस बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वीडियोस अवश्य देखें, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर यह जो वीडियो देखा उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। दिन दुगना और रात चौगुनी आपकी तरक्की हो, आपकी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस जबरदस्त रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।